सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ 10 पीसी में हाई कॉन्ट्रास्ट मोड को कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं शॉर्टकट की मदद से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मली तो दोस्तों, अगर आपको आपके विंडोज़ 10 में कॉन्ट्रास्ट मोड को इनेबल करना है, हाई कंट्रास्ट मोड को, तो आप जाते हैं सबसे पहले आपकी विंडोज सेटिंग्स में। विंडोज सेटिंग्स में आप जाते हैं पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तब जाके जो है दोस्तों आप अपने कंट्रास्ट मोड को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों। आप अगर आपको क्विकली इसको इनेबल और डिसेबल करना है, टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है, तो आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसी के नीचे मिलती है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस लेफ्ट आल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये शॉर्टकट की आपको यूज़ करना है। अभी हमारा जो हाई कंट्रास्ट मोड जो है दोस्तों इनेबल है, अभी हम इसको डिसेबल करेंगे शॉर्टकट की मदद से। जो शॉर्टकट की है दोस्तों, आपकी जो लेफ्ट साइड के जो कीबोर्ड के जो बटन रहते हैं आल्ट की प्लस शिफ्ट की ऑल्ट, उसके बाद आपको प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका जो कंट्रास्ट मोड था अभी वो डिसेबल हो गया है, टर्न ऑफ हो गया है। अगर आप उसको इनेबल भी करना है तो सेम शॉर्टकट की आपको यूज़ करना है। लेफ्ट साइड की कीबोर्ड की जो आप आल्ट की रहती है, शिफ्ट की रहती है, दोनों को एक साथ होल्ड कीजिए और प्रिंट स्क्रीन बटन जो है दोस्तों प्रेस कीजिए और अभी आपका जो कॉन्ट्रास्ट जो रहता है वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की से भी आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। इजी सा और सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।